गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग आदित्य आनंद मनोज। तो ये है मनोज का कोड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छा जो चैटबॉट है वो सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के उसके आंसर्स अगर रिकॉर्ड कर ले दैट इज़ नॉट गुड एनफ। उसे ये भी देखना होगा कि क्या वो आंसर सही है। अगर आंसर था व्हाट इज़ फॉर एग्जांपल आस्क रीज़न फॉर जॉइनिंग और हमने लिखा आई गॉट फायर्ड फ्रॉम माई लास्ट कंपनी, मतलब मेरे पिछली कंपनी ने मुझे निकाल दिया, तो अगर एक चैटबॉट समझ पा रहा है कि ओ इसके इमोशंस क्या हैं तो वो अगर रिस्पॉन्ड करता है ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, तो वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट और हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, अगर इसको रन करें तो ये चैटबॉट, तो अभी हम लोग का जो करेंट चैटबॉट है वो पूछता है हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, हम लोग कहते हैं यस, तो कहता है दैट्स ग्रेट लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज पंकज। तो वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि अच्छा मेरा नाम पंकज है, तो पंकज इज द नेम, और बोलता है हाय पंकज व्हाट इज योर एज, माय एज इज 25। तो अगर हम लोग देखते हैं माय एज इज 25 तो इसमें से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि 25 है मेरी एज, तो वो बोल देता है योर एज इज 25, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, मैं ये जॉब क्यों चाहता हूँ, बिकॉज आई नीड द मनी, वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, दोबारा पूछ रहा है, दो बार क्यों पूछ रहे होते जो तुमने आस्क रीजन फॉर ज्वाइनिंग दो बार पूछ लिया सर। नहीं वन सेकंड सर, मैं लाइन लाइन नंबर 16 में रूटीन में थे सर। नहीं सर, मैंने तो वो राइट लिखा है इंट्रो एंड लाइन 16 और लाइन 18 पे क्या लिखा है। हाँ सर वो वही होगा, सेम चीज लिखी है ना। हाँ सर। तो नहीं क्यों बोला बिना तो मैंने नीचे का मेन फंक्शन ही देख रही थी। कोई बात नहीं, उसको सही कर देना, अभी गूगल मीट पे फोकस कर लो, ये सब चीजें सही कर लेना। ओके सर। गूगल मीट पे वापस आ जाओ रुतु जा। हाँ सर आ गई। आ गई वापस। हाँ सर। ठीक है, फिर हमने पूछा व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, दे आर नॉट गिविंग मी एनी सैलरी। तो अगर हमने लिखा दे आर नॉट गिविंग एनी सैलरी, तो एक अच्छा इंटरव्यूअर जो होगा वो इसका रिप्लाई करेगा कि ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, डोंट वरी वी विल पे यू मच एनफ, बट ये सिंपली अगला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एक इंटेलिजेंट चैटबॉट नहीं है, कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर ले रहा है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे कैसे और कॉन्वर्जेशनल बना सकते हैं। वाई शुड वी हायर यू, बिकॉज आई एम वेरी टैलेंटेड, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, आई स्लीप अ लॉट, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो रुतजा ये बहुत अच्छा है कि तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खुद से बना रखे हैं एंड कैपिटल वैपिटल का ध्यान दिया है हर जगह, नेक्स्ट न्यू लाइन हर जगह हो रही है। मनोज के कोड में न्यू लाइन और कैपिटल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, बट दिस इज गुड कि रुतजा ने ध्यान रखा है। मनोज थोड़ा सा तुम भी इस चीज़ को इम्प्रूव करना कि न्यू लाइन हर जगह सही से आए। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आई वर्क वेरी हार्ड। और फिर ये खत्म हो गया प्रोग्राम। तो रुतजा तुमने वो नहीं किया क्या रिटर्न, मतलब यहाँ पे जो हमने कहा था वेरिएबल कितना सेव करने के लिए, जैसे मनोज ने अपने कोड में किया है। तो मैंने उसका कोड नहीं देखा है, सिर्फ मैंने यही किया। तुम्हें पता है कैसे करते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट भेजा था तो इसमें अभी आदित्य तुम बताओ इसमें फंक्शन का नेम क्या है। सर फंक्शन का नेम डिवाइड। वेरी गुड रुतजा, तुम बताओ इस डिवाइड फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। सर फर्स्ट नंबर। वेरी गुड, उसका डेटा टाइप क्या है। इंट। वेरी गुड मनोज, तुम बताओ ये रिटर्न क्या कर रहा है। सर फर्स्ट नंबर। गलत सर, डिवाइड तो वही कर रहा है ना, 10। डिवाइड रिटर्न क्या कर रहा है सर, 10 कर रहा है। गलत रिटर्न। हाँ बताओ सर, 20 कर रहा है वो। हाँ मनोज, ये रिटर्न कर रहा है 2 into first number, सिर्फ first number नहीं return कर रहा है, 2 into first number return कर रहा है। अनंत तुम बताओ first number की value क्या है? Sir 10। क्यों है 10?
ऊपर लिखा हुआ है इंट आंसर इज इक्वल्स टू डिवाइड यस, 10। तो ये रिटर्न कर रहा है 20। तो मनोज तुम बताओ कि जो भी ये रिटर्न कर रहा है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? सर इंट आंसर। इंट आंसर इज इक्वल टू डिवाइड 10। तो रुतजा तुमने यहां तक तो सब किया है, फंक्शन डेफिनेशन में सब कुछ किया है, पब्लिक स्टैटिक तुमने अपने फंक्शंस में स्ट्रिंग, आस्क नेम, पैरामीटर, रिटर्न नेम सब किया है, बट जब ऊपर कॉल कर रही हो फंक्शन को आस्क नेम तो वहां पे ये चीज नहीं लिखी है, इंट आंसर इज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू। समझ गई? सर मैं ना सर नहीं, अपना मैंने नहीं लिखा है, बट ऊपर कैसे लिखो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब डिवाइड 10 को कॉल किया तो यहाँ पे अगर डिवाइड 10 को कॉल करते हैं, फोक दिस कर देते हैं, सर मैंने अपना रिसेंट कोड डाल दिया। ठीक है, तो जब डिवाइड 10 को कॉल किया तो ऐसे किया, बट जब इसका जो रिटर्न है उसको सेव करना है तो हम लोगों ने क्या किया, इसके पहले लिख दिया इंट आंसर इज इक्वल टू डिवाइड 10, है ना? यस सर। तो अगर वैसे ही ये इसको देखो तो आस्क नेम कॉल किया हुआ है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, आस्क नेम सो वो आस्क नेम स्ट्रिंग कर रहा है। स्ट्रिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वैसे ही लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम लिख देते हैं नेम इज इक्वल टू आस्क नेम। तो इससे क्या होगा, जो भी वट एवर आस्क नेम फंक्शन इज रिटर्निंग विल बी सेव्ड इन वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, ठीक है? वैसे ओके सर, कर लूंगी। अगर इसके लिए बताओ क्या करेंगे, बताओ सो इसका इंट होगा, इंट क्या नेम। लिखा? नहीं सर, इंट 1 सेकेंड सर। इंट सर, इंट एज इज इक्वल, इंट रिटर्न एज इज इक्वल, इंट एज इज इक्वल टू, सो आगे का होगा। हाँ। तो आज हम लोग रुतुजा मनोज तुम लोग भी फोकस कर लो, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, बेसिक जावा प्रोग्राम बनाने तो तुम लोग को आ गया है, फंक्शंस बनाने आ गया है, रिटर्न करने आ गया है, जो रिटर्न कर रहे हैं वो स्टोर करने आ गया है, एक बेसिक सा तुम लोग ने चैटबॉट भी बना दिया जो क्वेश्चन पूछ लेता है और उसका आंसर सेव कर लेता है, बट एक इंटेलिजेंट चैटबॉट बनने के लिए उसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहिए, क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करना चाहिए। अच्छा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अपडेट कर सकते हैं कि जैसे कि उसने पूछा इंटरव्यू करना है तो उसने एज मांगी, एज उसे मिल गई, अब तुम लिख सकते हो यहाँ पे इफ कंडीशन, सबको यूज करना आता है जैसे यहाँ पे किया था, यस तो यहाँ पे हम लिख के देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, इफ एज इज लेस देन 15 तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट वाओ यू आर सो यंग, गुड जॉब, गुड वर्क। तो ये हम लोग ने क्या किया, अगर एज 15 से कम है तो अपने चैटबॉट से बोला कि थोड़ा सा कॉन्वर्स करो, अगर एज एल्स इफ अगर एज ग्रेटर देन 30 है या फिर 40 है या फिर ग्रेटर देन 60 है, तो रिटायरमेंट एज आपको पता है 60 65 होती है, हाँ सर पता है सर, 60 60 के आगे होते सर। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आरएनट यू रिटायर्ड। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर तुम इफ एल्स में लिख दोगे तो थोड़ा सा कॉन्वर्जेशनल हो जाएगा, बेसिकली अगर तुम अपने फ्रेंड से ही बात करते हो और वो बोलता है ओ आज मैंने मॉल जाके एक नया कपड़ा खरीदा, तो तुम लोग रिप्लाई करोगे वाओ किस कलर का था कपड़ा, कैसा था कपड़ा, और वैसे ही कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ जाती है, राइट? तो यहाँ पे वही चीज हमारे चैटबॉट को भी करनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है यूजर से उसको असेस करे, उसके बेसिस पे रिप्लाई करे और फिर आगे अगला क्वेश्चन पूछे। तो इफ हाँ एज सर, बट इज हमें आस्क मतलब ये तो हम कर लेंगे, एंड आस्क फॉर ज्वाइनिंग ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछ रहे, हाँ वहाँ पे हमें हमें भी कुछ तो मतलब जो भी इंटरव्यू दे रहा है उससे भी कुछ पूछना है, तो हम कैसे करें मतलब हाँ तो उसका चैटबॉट बिल्कुल सही कह आंसर। रही हो, वो हम लोग लास्ट कल डिस्कस कर लेंगे कि फॉर लूप, अभी तुम लूपिंग तुम लोग को नहीं पढ़ाई है कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं, तो अभी फॉर लूप अगर आज पढ़ा पाते हैं तो आज पढ़ा देंगे, वरना कल पढ़ा देंगे,
उससे तुम लोग ये चीज करने लगोगे जो तुम कह रही हो। अभी के लिए इतना समझ लो कि इफ एल्स कंडीशन से तो अपने चैटबॉट को थोड़ा और इंटेलिजेंट बना सकती हो। तो जैसे कि इफ एज इज लेस देन 15 तो तुम लिख सकती हो वाओ यू आर सो यंग गुड वर्क। एज इज ग्रेटर देन 60 तो लिख दिया वाओ यू मस्ट बी रिटायर्ड नाउ। अगर कोई और केस है तो लिख दो कि दैट्स द राइट एज फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू पोजिशंस। तो ऐसे इफ एल्स कंडीशन लगा के तुम लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने नेम पूछा तो हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट वाओ दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। अगर यस पूछो सर मनोज। आप एल्स इफ लिख रहे हैं ना, उस पे उसकी जगह एल्स इलिफ भी लिख सकते हैं। नहीं तो ये चीज तुमने एक और बार मनोज पूछी थी और उस बार भी हमने बताया था कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं राइट। यस सर। तो वैसे ही पाइथन में एलिफ लिखते हैं बट जावा में इफ एल्स लिखते हैं। तो अगर एल्स इफ लगाना है तो एल्स इफ लिखते हैं, अगर एल्स लगाना है तो ऐसे लिखते हैं ठीक है। तो ओके ये चीज समझो कि एलिफ पाइथन में लिखते थे बट जावा में एल्स इफ लिखते हैं। वाओ दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। आस्क रीजन फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही हर चीज के लिए तुम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आस्क रीजन फॉर, अरे यार एक सेकेंड डिलीट। आस्क रीजन फॉर ज्वाइनिंग पे अगर जाएं तो तुम लोग देख सकते हो कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। अगर उसने कहा कि आई बिकॉज आई वांट मनी तो हम लोग उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि हाउ मच मनी डू यू वांट। वो चीज कैसे करेंगे हम लोग को पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा इफ ज्वाइनिंग डॉट कंटेन्स मनी। तो यानी वो मनी से रिलेटेड बात कर रहा है तो प्रिंट कर देंगे इज मनी द ओनली थिंग यू वांट आउट ऑफ अ जॉब। या फिर हम लोग उसे मेंशन कर सकते हैं बट मनी कांट बी द ओनली रीजन व्हाई यू आर चेंजिंग योर जॉब। तो ऐसे हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं बेस्ड ऑन उसने क्या रिस्पॉन्स डाला है। और वो कैसे जज करते हैं अगर इंटीजर है तो लिखते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू ऐसा। बट अगर स्ट्रिंग है तो देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था ये नेम डॉट स्टार्ट्स विद या फिर कंटेन्स कहीं पे लिखा था ये रहा ज्वाइनिंग डॉट कंटेन्स मनी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि कल की क्लास के लिए हम लोग यही करेंगे कि W3 स्कूल्स में स्ट्रिंग जावा ये रहा स्ट्रिंग जावा मेथड्स। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें से कुछ कुछ मेथड्स हैं बेसिकली यही दो मेन काम के हैं। एक तो कंटेन्स और एक स्टार्ट्स विद। बेसिकली स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्या इस स्ट्रिंग में मनी आता है। डज दिस स्ट्रिंग कंटेन मनी। इफ यस तो ये करो इफ नॉट तो कुछ और करो। वैसे यहाँ पे देखो इफ दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद आई एम। अगर ये स्ट्रिंग की शुरुआत में आई एम आता है तो नेम कैसे लेंगे ऐसे करके। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करके हम लोग इसको और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। अब अगर इसको रन करें तो देखो एरर पब्लिक स्टैटिक। अच्छा ये तो समझाने के लिए लिख दिया था। एक बार बता दे रहे हैं कि इससे कैसे ये इंटेलिजेंट और लगने लगा। छोटी छोटी चीजें की तुमने सिर्फ इफ एल्स लगाया बट इसका सर रिजल्ट देखो। हेलो डू यू वांट टू प्रैक्टिस। यस व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज पंकज। तो उसने रिप्लाई किया हाय पंकज वाओ दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम। तो अब थोड़ा सा वो कॉन्वर्जेशनल हो गया बिकॉज इट इज नॉट जस्ट लिसनिंग टू योर आंसर्स इट इज ऑल्सो एडिंग इट्स ओन थिंग्स। तो वट इज योर एज। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो उसने सिर्फ मेरे रिस्पॉन्स को ऐड नहीं किया
उसने उस पर रिप्लाई भी किया कुछ, योर एज इज 25, दैट इज द राइट एज फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू पोजिशंस, है ना। तो ऐसे ही जार्विस भी करता था कि अगर टोनी स्टार्क बोले कि जार्विस मेरी कार को रेड पेंट कर दो, तो जार्विस जाके सिर्फ उसकी कार को रेड पेंट नहीं करता था, जार्विस ये भी बोल देता था आयरन मैन टोनी स्टार्क को कि अच्छा रेड पेंट करना है, रेड कलर तो बहुत बढ़िया कलर है। तो ऐसे और इंटेलिजेंट हम लोग को लगता था कि वाह जार्विस कितना इंटेलिजेंट है, समझ रहे हो ना। यस सर।